अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। तो आज ये हमारे मजदूर आए हुए हैं, तो आज मैं आपको दिखाऊंगा जो हमारे खेत में जो 10 से 12 मजदूर लगे हुए हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो बहुत ज़्यादा आज मजदूर आ गए हैं क्योंकि काम ज़्यादा बढ़ गया है, उसकी वजह से खेतों में मजदूर बंदे आए हुए हैं। तो अभी सुबह सुबह का टाइम हो गया है और सर्दी भी बहुत ज़्यादा जी हो गई है। तो अभी मैं जा रहा हूँ मोटर के पास, पानी वानी पी के, उसको पीआर के, चाय वाय पीआर के, फिर जाऊंगा मज़दूरों के पास। वो भी आपको दिखाता हूँ कि कितने ज़्यादा मज़दूर आए हैं और कौन से ये काम कर रहे हैं। काम भी बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क काम है, तो मैं आपको दिखाऊंगा। मैं भी वहीं पर जा रहा हूँ, तो अभी थोड़ा सा मुझे यहाँ पर काम है वो निपटा के फिर मैं जाऊँगा, आपको दिखाता हूँ मज़दूर बंदे कितने हैं। जी यहाँ से सारे मज़दूर बंदे लगे हुए हैं, ये जो बड़े बड़े आपको ला दिखाई दे रहे हैं ये सारे को इनकी निकाली हो रही है। ये जो बड़े बड़े मज़दूर सारे लगे हुए हैं, दो जोड़ी वो लगी हुई है, दो जोड़ी वो लगी हुई है, दो जोड़ी ये लगी हुई है और दो जोड़ी, एक ये बंदा, एक ये, एक ये। तो कितने मजदूर हो गए आप भी संभालो, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 मजदूर हैं भाई। तो 11 मजदूर काम क्या कर रहे हैं मैं आपको दिखाता हूं। तो ये जो बड़े बड़े लाल रंग गड्ढे खोल रहे हैं, तो इनकी ज़मीन वाली जो जंगलात वाली ज़मीन है उनकी अभी सफाई हो रही है। तो मैं भी चलकर वहां पे और आपको दिखाता हूं। ये बंदे भी अभी बैठे हैं, पता नहीं किस वजह से बैठे हुए हैं। भाई साहब आप बैठे हो, काम नहीं कर रहे? अरे क्या बात है भाई, ये थके भाई, ये टोटी बंदे हैं यहाँ। तो वो बंदे बेचारे काम कर रहे हैं, यहाँ से सारे बंदे काम कर रहे हैं, कुछ यहाँ पर काम कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं। तो ये जो एक केनाल है सारी इनकी सफाई हो रही है। तो मजदूर आपने देख लिया। तो मैं आपको उधर में आपको एक काका बंदा, एक बूढ़ा बंदा है वो काम कर रहा है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये बूढ़ा बंदा काम कर रहा है इधर, तो बूढ़ा बंदा भी काम कर रहा है, जवान बंदे भी काम कर रहे हैं। तो सारे बंदे यहाँ पर लगे हुए हैं, बुजुर्ग बंदा भी जी लगा हुआ है मजदूरी में और इधर भी लगे हुए हैं। ये काम कर रहे हैं जी मज़ूर, ये सारे जो ला हैं वो निकाल रहे हैं। तो ये गड्ढे वड्ढे भी सारे लगे हुए हैं, जो जंगलात वाली ज़मीन है उनकी सारी कुछ सफाई यहाँ से हो रही है। सारे ये मजदूर बंदे लगे हुए हैं, वो जोड़ी वो एक लगी हुई है, ये भी जी लगे हुए हैं, इधर वो बंदा लगा हुआ है, चार बंदे जी इधर लगे हुए हैं, दो बंदे इधर हैं वो चले गए हैं। हाँ भाई लगे हुए हो? अच्छा कितने बजे से आए हो जी? कितने बजे से आए हो तुम इधर? सुबह के बगैर आए। सुबह के? अच्छा अच्छा कितने बंदे आए हो तुम? सात बंदे हो। सात बंदे मजदूर हैं, कुछ किसान किसान वो भी लगे हुए हैं। तो अपनी अपनी मगन में लगे हुए हैं, एक किनार की जो है वो भी लगी हुई है। तो ठंडी आने वाली है, ठंड में जो बंदे ये कमज़ोर बंदे हो गए, पता नहीं इनको क्या हो गया है अभी। ये जंगलात वाली ज़मीन है उनको जो ढिंगर विंगर हैं, कचरा वचरा है, उनको आग लगाई जा रही है। तो किसान भी इधर ही खड़ा है, तो कुछ मजदूर भी लगे हुए हैं और जो आग का काम है वो भी स्टार्ट हो गया है। तो आग जी बहुत ज़्यादा लग गई है। तो इनमें खनी बिल्ली जी चुए वन गजा नहीं जो जो सेक के भाई बहुत ज़्यादा लग रहा है। तो यहाँ पर जो सेकिंग है वो बहुत ज़्यादा हो रही है। अभी इधर मैं जाऊँगा तो सेक जो मुँह है वो जल जाता है, तो क्योंकि जो इनका जो प्रेशर है वो सारा कुछ मुँह में आ जाता है। तो आग जी बहुत ज़्यादा लग गई है अभी। तो सारा ये जो आपको सारा जो कचरा दिखाई दे रहा है इन सारों में आग लगाई जाएगी, सारों में। ये अभी इधर भी आग लगा रहा है ये बंदा। जो आगे वो यहाँ पर जी लग गई है, जो वो आगे वो अभी बढ़ती जा रही है, तो उसमें जो कुछ धुआँ है वो बहुत ज़्यादा जी हो गया है। तो इधर ये भी एक आग लग गई है। तो जो काम भाई वो जोर शोर से जा रही है हमारा, धुआँ जी बहुत ज़्यादा होता जा रहा है, लेकिन ये भी आग लग गई है अभी।
तो जी व्यूअर्स, जो हमारा ये आम है, इस आम में तो ये जो हमारा जो आपको आम दिखाई दे रहा है, इसमें आम जी ये जो परिंदे नहीं होते उसके अंडे भी मौजूद हैं, लेकिन इसमें सारा यहाँ पर देखें जी किस तरह से परिंदे ने बंद किया है सारा। यहाँ पर देखें आम में तो सारा इसमें ना सुई की तरह बंद किया हुआ है। यहाँ पर देखो परिंदे ने, ये देखो कितनी ज़्यादा महारत के साथ परिंदे ने सारा कुछ आम में ये बंद किया है। यहाँ पर देखो ये परिंदे का घर है जी, तो इसमें अंडे पड़े हुए हैं, तो अंडे यहाँ से दिखाई नहीं दे रहे, तो मैं दिखाने की कोशिश आपको कर रहा हूँ। ओ ये अंडे पड़े हुए हैं, यो ये अंडे पड़े हुए हैं, ये देखो जी ये पड़े हुए हैं। आम के पन आ जाते हैं जी, पत्ते आ जाते हैं, तो ये पता है, ये पता आ जाता है, तो पीछे हो जा यार, ये अंडे पड़े हुए हैं जी। ये किस किस्म के अंडे हैं आप ही बताए दी, ये पांच अंडे मेरे ख्याल में पड़े हुए हैं, तो ये किसी परिंदे के अंडे हैं। ये कितने ज़्यादा खूबसूरत अंडे यहाँ पर पड़े हुए हैं, ये देखें जी, ये कोई ये मुर्गी शुर्गी के अंडे नहीं हैं, ये परिंदों के अंडे हैं जी। यहाँ पर आपने देख लिए, तो यो ये आपको घर दिखाई दे रहा है, इसमें जी परिंदों के अंडे भी पड़े हुए हैं। तो ये हमारा जी आम एक साल पहले लगाया था, तो अभी बहुत ज़्यादा माशाल्लाह बड़ा हो गया है, तो ये जो वो घर पड़ा हुआ है जी, देख लिया आपने। तो ये रात को भी ट्रैक्टर का काम स्टार्ट है, तो अभी मैं खेत में आया का हूँ, तो रात को भी जी ट्रैक्टर का काम स्टार्ट है, तो ट्रैक्टर चल रहा है खेत में, तो दो दिन हो गए, आज दूसरा दिन है, तीसरे दिन भी काम स्टार्ट होने वाला है। तो रात के भी, रात के वक्त में भी ट्रैक्टर स्टार्ट है। तो रात को भी जी काम स्टार्ट है।